नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं कन्हैया धाकड़ और आप देख रहे हैं देश की पहचान हमारे किसान यूट्यूब चैनल पर। खेती से जुड़ी जानकारियां, ग्राउंड लेवल की जानकारियां। किसान साथियों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि खेत के अंदर फॉस्फोरस कब देना चाहिए, कितना देना चाहिए, वो चीज़ अलग मैटर हो गई, लेकिन कब देना चाहिए ताकि वो प्रॉपर रूप से काम कर सके। क्योंकि दोस्तों, लगभग सभी किसान भाई जानते हैं कि फॉस्फोरस एक ऐसी चीज़ है कि मानो अपनों ने यहाँ डाला है ना, तो वो यहीं रहेगा, जड़ को वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। यदि जड़ यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी तो फॉस्फोरस फसल को नहीं मिल पाएगा। और फसल के लिए फॉस्फोरस शुरू से लगाकर लास्ट स्टेज तक काम करता है, मतलब पूरी फसल की जो उम्र होती ना, उसमें उसको फॉस्फोरस चाहिए। तो उस फॉस्फोरस को हम किस तरह से दें ताकि अपने फसल को प्रॉपर रूप में मिल सके, लंबे समय तक मिल सके और अच्छे से कारगर साबित हो सके। तो दोस्तों, वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आपके लिए जानकारी इकट्ठी करते हैं, आपके लिए प्रॉपर वीडियो तैयार करते हैं, तो एक लाइक तो बनता है। आइए बिना कुछ देरी किए अपन वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो किसान साथियों, फॉस्फोरस को कब दें, क्योंकि फॉस्फोरस को प्रॉपर रूप में काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। टेम्परेचर, मौसम में नमी, और साथ ही साथ फॉस्फोरस को अपन किस रूप में दे रहे हैं, किस तरह से दे रहे हैं, यानी SSP दे रहे हैं, DAP दे रहे हैं, ठीक है, इसकी सारी जानकारी आज ये वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं। तो किसान साथियों, कुछ तरीके हैं जो अपन शुरू से अपनाते आ रहे हैं। कुछ तो जैसे कि मानो खेत है, इसमें भुरकाव विधि से अपन भुरकाव करके और फिर बाद में टीलर वगैरह चला लेते हैं। तो किसान साथियों, इसमें क्या है कि अभी के जो वर्तमान समय में अपन यदि भुरकाव करके टीलर चलाएंगे, तो दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो ऐसे समय में भी अपना फॉस्फोरस बराबर काम करने वाला नहीं है, DAP काम करने वाला नहीं है। तो दूसरी विधि यदि अपनाएं तो कतारों में, चाहे अपन पहले पुराने तरीके से अपन यदि करें, तो जो अपना हल आता था ना बिजाई करने का, उससे पहले खाद की बिजाई के रूप में तरह, मतलब पहले नालियों में लेकर अपन डाल दें फिर बिजाई करें। तो किसान साथी, उसमें क्या है कि अपन खाद कहाँ डाल रहे हैं और बीज कहाँ पड़ेगा, मानो उसका कॉम्बिनेशन सही नहीं हुआ तो भी फॉस्फोरस अपने को मिल नहीं पाएगा। और इसमें एक चीज़ और मैटर करती है कि मानो बीज आपने खाद डाल दिया और जड़ वहाँ होकर नहीं निकली, तो अपना फॉस्फोरस अपने का SSP अपने का जो DAP डाल रहे हैं ना, तो DAP तो डालेंगे नहीं, क्यों, बहुत ज़्यादा महंगा आता है। तो अधिकतर किसान भाई अभी SSP डालने के ही पक्ष में रहते हैं, तो वहाँ तक वो जड़ पहुँच पाएगी या नहीं पहुँच पाएगी, क्योंकि SSP अपने को फॉस्फोरस जो DAP है अपने को शुरू से लगा के लास्ट तक चाहिए, पूरी फसल में इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो दोस्तों, वो तरीका भी अपन नहीं अपना सकते हैं। अब आगे यदि बात करें अपन, अब ऐसा कौन सा तरीका है, दो तरीके ये हुए, तीसरा तरीका एक है दोस्तों, जब अपन बिजाई करेंगे तो बिजाई के साथ साथ में DAP या फॉस्फोरस अपन डाल देंगे। तो किसान साथियों, उसके लिए कुछ फसलें ऐसी होती है, कुछ बीज ऐसे होते हैं कि यदि बीज के साथ में अपन मिलाकर या इस तरीके से अपन डाल रहे हैं, तो कुछ बीज ऐसे होते हैं, सेंसिटिव बीज होते हैं, जो फॉस्फोरस के जाने में, जब फॉस्फोरस पानी से घुलेगा, और क्यों पानी तो लगने लगना, बारिश आनी है, तो घुलेगा ना, उस समय यदि बीज के वो फॉस्फोरस लगेगा तो बीज खराब हो जाएगा, बराबर अंकुरण नहीं हो पाएगा, जितनी मात्रा में अपने को अंकुरण चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, ये तरीका भी अपना काम करने वाला नहीं है। किसान साथियों, माफ़ी चाहूँगा, हवा ज़्यादा चल रही है, तो थोड़ा देख लेना आप, आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है हल्की फुल्की, तो ये चीज़ भी थोड़ा आप एक्सेप्ट कर लेना। अब दोस्तों, एक चीज़ आती है कि जो अपन सीड्रिल से बोई करते हैं, तो जो डबल पेटी की सीड्रिल आती है, इसमें एक में खाद डालेंगे, एक में बीज डालेंगे, तो दोस्तों उसमें क्या होगा
कि खाद बीज दोनों साथ में चलेंगे, लेकिन जो बीज पढ़ने का तरीका है, जो खाद पढ़ने का तरीका है, तो खाद पड़ेगा आगे वाली साइड में, मतलब दोनों के बीच में लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर की, जब बीज चलेगा ना खाद चलेगा उस समय गैप रहती है, कि आगे वाली नाली थोड़ी आगे रहती है और गहरी रहती है, और बीज वाली नाली थोड़ी पीछे रहती है और ऊपर की साइड में रहती है। तो दोस्तों उसमें नीचे फॉस्फोरस पड़ जाएगा और पीछे की साइड में थोड़ी ऊपर की साइड पे बीज पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, बीज का अंकुरण हो जाएगा और जो उसकी जड़ चलेगी वो सीधे फॉस्फोरस में जाएगी। तो कैसे जाती हूँ, यदि देखा जाए तो सीड ड्रिल के साथ में अपन फॉस्फोरस देना वो तरीका सही हो सकता है। बाकी जो दोनों दोनों तरीकों हैं, क्योंकि मतलब पहले भुरकाव करेंगे अपन तो जड़ सीधी एक बार नीचे जाएगी, तो भुरकाव वाला खाद ऊपर ही रहेगा तो भी अपने फसल को नहीं मिल पाएगा। बीज के साथ मिक्स करके अपन यदि SSP DAP देंगे तो वो भी तरीका सही नहीं होगा, क्योंकि जो कुछ चीज़ें ऐसी है, और सोयाबीन में भी देखा गया है कि यदि फॉस्फोरस सोयाबीन के बीज के टच में आ गया तो भी सड़न पैदा करेगा बीज होने में, क्योंकि मेरे साथ में पहले बीज चुकी है, मतलब मैंने अनुभव किया है इस चीज़ को कि वो तरीका अपना सही नहीं है। तो कुल मिला के सही तरीका वही है कि डबल पेटी वाली सीड ड्रिल अपने ले लें और उसमें अलग से फॉस्फोरस लें या DAP लें, और देखा गया है कि SSP अच्छे से काम करता है। और साथ ही साथ यदि अपन DAP की बात करें तो दोस्तों DAP में भी अच्छा काम देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें फॉस्फोरस होगा साथ में यूरिया भी होगा, तो पौधे को शुरू से यूरिया मिल जाए तो भी अच्छा काम कर सकता है। और दोस्तों यदि अपन चाहें तो फॉस्फोरस को देके अलग से DAP या अपना सॉरी यूरिया का भुरका भी कर सकते हैं, तो जो सेम DAP के जो रिजल्ट हैं वो अपने को इसमें मिल सकते हैं। यूरिया का तो कोई गलने में कहीं फैलने में कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो यदि अपन बिजाई कर रहे हैं तो सीड ड्रिल से अलग अलग पेटी में SSP और या भले DAP हो तो कोई तकलीफ नहीं, यदि SSP डाल रहे हैं तो उसको डाल के बिजाई करके अपन यूरिया दे सकते हैं, तो सेम DAP जितना रिजल्ट अपने को मिलेगा, फसल अच्छी चलेगी, अंकुरण अच्छा, अंकुरण होने के बाद में अच्छी ग्रोथ करेगी, फसल कलर पर अच्छी रहेगी, तो इसमें खर्चा भी कम आएगा और कारगर तरीका भी साबित होगा। दोस्तों यदि आप चाहें तो आप रॉक फॉस्फोरस का भी उपयोग कर सकते हैं, क्यों दोस्तों उसमें सारे कंटेंट अपने को मिल जाएंगे और कुछ मात्रा में सूक्ष्म तत्व भी इसके अंदर आते हैं, तो रॉक फॉस्फोरस भी एक अच्छा अपना जरिया हो सकता है। तो चाहे तो आप SSP ले सकते हैं और या चाहे तो रॉक फॉस्फोरस ले सकते हैं, लेकिन अभी इस गर्मी में अपने को कुल मिला के SSP नहीं देना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मेरे हिसाब से इस वीडियो में खाद कब देना है अपने को इसकी जानकारी मिल गई होगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी साथ में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और जो चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी साथ में। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।